नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं सिटी से आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ सबके पसंदीदा भेज बर्गर। बर्गर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप सबको लगता है ना, लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आप सबको बहुत ही ईजीली कैसे बर्गर बनाते हैं वो सिखाऊंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हाँ फ्रेंड, आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बर्गर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत सिंपल है। बर्गर में जो आलू टिक्की होता है वो कैसे आप फ्रीजर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं वो भी आपको आज दिखाऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं वीडियो के बीच बीच में बहुत सारा टिप्स बताऊंगी जो कि आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बर्गर घर पे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बर्गर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने बर्गर का एक पैकेट ले लिया है। 4 आलू को हम छिलका निकाल के उबाल के ले लिए हैं। बटर ले लेंगे। भेज मेयोनीज लिए हैं। टमाटो केचप लिए हैं। 100 ग्राम पनीर को हम कद्दूकस करके ले लिए हैं। 1 गाजर को ऐसे कद्दूकस करके ले लिए हैं। थोड़ा सा ग्रीन मटर लिए हैं। 10-15 बीन्स को काट के लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिए हैं। 2 प्याज को हम चॉप करके ले लिए हैं। थोड़ा सा हम पत्ता गोभी लिए हैं। 2 प्याज को ऐसे राउंड शेप में काट के ले लिए हैं। 2 टमाटर को ऐसे राउंड शेप में काट के ले लिए हैं। ये गार्लिक डिप है, मेरे पास था इसलिए मैंने ले लिया। आपके पास हो तो लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैदा लिए हैं। थोड़ा सा चाट मसाला ले लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने ब्रेड को तवा में सेक लिया, उसको अच्छे से हम ग्राइंड करके ले लिए हैं। आपके पास ब्रेड क्रम हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे हम धनिया का पाउडर लिए हैं, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिए हैं, जीरा पाउडर लिए हैं, गरम मसाला पाउडर लिए हैं और हल्दी पाउडर लिए हैं। ये सब इंग्रेडिएंट चाहिए हमको बर्गर बनाने के लिए। एक पहले कढ़ाई बिठा लिया, उसमें हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दे दिए हैं। अभी पहले हम आलू टिक्की बना लेंगे। अभी अदरक का पेस्ट को हमने डाल दिया। चॉप करके रखे थे प्याज को भी डाल देंगे। इसको थोड़ा अभी सॉटे कर लेंगे। हम अभी फ्लेम मीडियम पे ही रखे हैं। थोड़ा सा सॉटे हो गया, अभी हम सब सब्जी डाल देंगे। अभी पहले हम गाजर डाले हैं, फिर हम मटर डाल रहे हैं। ये हमारा कच्चा मटर है इसलिए हम पहले डाल रहे हैं। आपके पास फ्रोजन मटर हो तो आप बाद में डाल सकते हैं। अभी बीन्स भी डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अभी हम धनिया पत्ता पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून हम चाट मसाला पाउडर डाले हैं। चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम में, हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। अभी हम उबाल के रखे थे आलू, उसको ऐड कर लेंगे।
मसाला के साथ इसको अच्छे से मिला देंगे। मसाला के साथ अच्छे से मिल गया। अभी स्वाद के अकॉर्डिंगली नमक ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अभी फ्लेम हम लो पे ही रखे हैं और सबसे एंड में हम पनीर ऐड करेंगे। आपके पास फ्रोजन मटर हो तो सबसे एंड में आप फ्रोजन मटर को भी पनीर के साथ ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे। हम लो मीडियम फ्लेम में इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे मिला के। दो मिनट हो गया, आप देख पा रहे होंगे मसाला बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है। इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। ऐसे ही इसको फैला के हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ज़्यादा गर्म है इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर हम आलू टिक्की बनाएंगे। अभी हम मैदा में थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, इसको अच्छे से मिला देंगे। ना हमको ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में ही हमको रखना है। आप देख पा रहे होंगे हमने कितनी कंसिस्टेंसी में रखा। अभी हम मेयोनीज लिए हैं, इसको भी हम 2 टेबलस्पून निकाल देंगे। अभी हम टमाटो केचप लिए हैं, टमाटो केचप भी 2 टेबलस्पून निकाल के दोनों को अच्छे से मिला देंगे। इसको हम बर्गर के बीच में देना है। अभी हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया, उसमें हम भी हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम मिलाएंगे। इस टाइम में ब्रेड क्रम मिलाने से जितना भी मॉइस्चर होता है मसाला में सब कुछ ब्रेड क्रम अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा मसाला का जो आलू टिक्की बहुत ही अच्छा बनता है। अभी हम अच्छे से मिला देंगे। अभी हम टिक्की के लिए छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा बॉल बना सकते हैं। इसको ऐसे ही राउंड करते करते ऐसे दोनों हथेली की सहायता से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और टिक्की बनाते सब कुछ बना लेंगे। जितना भी मसाला है सबका पहले टिक्की हम बना लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हम सब टिक्की बना दिया है। जो मैदा का पेस्ट बनाए थे उसमें अभी हम डिप कर लेंगे। हम अच्छे से लगा देंगे टिक्की में मैदा का एक कोटिंग जैसे हो जाए। उसको अभी उठा के हम ब्रेड क्रम में डाल देंगे। ब्रेड क्रम भी उसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे जैसे कि दोनों साइड से अच्छे से ब्रेड क्रम लग जाए।
और साइड साइड में भी अच्छे से हम लगा देंगे, जैसे कि ब्रेड क्रम का भी अच्छे से कोटिंग हो जाए। ऐसे ही करते करते हम सब टिक्की में हम ब्रेड क्रम लगा देंगे। देख पा रहे होंगे हम सब टिक्की में ब्रेड क्रम लगा दिया। अभी एक कढ़ाई बिठाएंगे, उसमें अभी हम ऑयल देंगे। आप चाहे तो टिक्की को फ्राई कर सकते हैं बिल्कुल ऑयल में डीप करके, लेकिन हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। सेलो फ्राई थोड़ा सा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हम ऐसे ही कढ़ाई में डालते जाएंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हम इसको अच्छे से हम दोनों साइड को गोल्डन ब्राउन कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया एक साइड। इसको थोड़ा सा हम पलटा देंगे, इसे दूसरे साइड का भी ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना क्रंची हुआ है। अभी हमारा दोनों साइड का हो गया, इसको अभी हम निकाल देंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम फ्रीज़र में एक महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक टिश्यू पेपर ले लिए हैं, हम फ्राई करने से पहले ही इसको टिश्यू पेपर में रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके उसको फ्रीज़र में हम रख देंगे। जब भी आपका मन हो आप फ्रीज़र से निकालिए, दो घंटे पहले इसको बिल्कुल ठंडा कम होने दीजिए, फिर उसके बाद आप चाहे तो इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। अभी हम दो बर्गर ले लिए हैं, उसको थोड़ा सा अभी सेक लेंगे। बिल्कुल भी ऑयल देना अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही हम थोड़ा सा सेक लेंगे। इसको अभी हम निकाल देंगे और इसको बीच में से हम काट लेंगे। अभी हम इसमें बटर लगा लेंगे। जिस साइड का हमने बटर लगाया उस साइड को ही हम नीचे करके अभी सेक लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। एक साइड सिक गया, हम दूसरे साइड को ऐसे पलटा दिए हैं। दूसरे साइड को भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। अभी हम निकाल देंगे। अभी हम बर्गर बनाएंगे, उसके ऊपर हम अभी गार्लिक डिप को भी लगा रहे हैं। आपके पास ना हो तो सिर्फ आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। एक पत्ता गोभी रख दिए हैं, उसके ऊपर हम मेयोनीज और टमाटो केचप जो मिलाए थे उसको भी लगा देंगे। उसके ऊपर हम आलू टिक्की रख देंगे। उसके ऊपर हम प्याज रख देंगे। उसके ऊपर हम टमाटो रख देंगे। उसके ऊपर हम मेयोनीज और टमाटो केचप जो मिलाए थे उसको भी लगा देंगे। उसके ऊपर बर्गर का जो ऊपर का ब्रेड है उसको भी रख देंगे। और इसको हम सेट करने के लिए एक टूथपिक ऐसे लगा देंगे। अभी हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया वेज बर्गर।
आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कुछ कुछ टिप्स है जो कि आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल इजीली आप घर पे बच्चों के लिए बर्गर बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।